बीन्स आलू मसाला फ्राई आप एक बार बनाएंगे और इसे खाएंगे तो आपके मुंह से जरूर यह शब्द निकलेंगे, किसने बनाया है यह मुजस्समा, आज हम उसके हाथ छूम लेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसा ही लाजवाब मसाला फ्राई। आप देख सकते हैं कैसे बीन्स और आलू पे हमारे मसाले लटपटाए हुए हैं। तो रेसिपी जानने के लिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बीन्स लेंगे जो कि 250 ग्राम के आसपास में है, और दो आलू मीडियम साइज के आप देख सकते हैं, सबको अच्छे से धो धाकर काट लेंगे। हमने लंबे लंबे पीस में आलू और बीन्स दोनों को एकदम काटे हैं बराबर बराबर पीस में, ताकि अच्छे लगे देखने उखने में। तो आप देख सकते हैं आलू बीन्स को हमने पानी में डुबो कर रखा है क्योंकि वेजिटेबल थोड़े फ्रेश रहे। और इनके साथ हमने लिया है लहसुन की 6-7 कलियां जिसे हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। तो गैस के फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके उसमें हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, और इसके साथ में हम 1 चम्मच पीली सरसों का यूज़ कर रहे हैं, 1 चम्मच जीरा और हल्का सा हींग, सबको अच्छे से चटका लेंगे। आपके पास काला सरसों या राई है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से चटका कर इसमें हम अपने आलू को डाल लेंगे। आलू को हम अच्छे से 5 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे जिससे थोड़ा हमारा आलू क्रंची हो जाए। हम लहसुन को अभी नहीं डाले हैं, लहसुन को ऊपर से डालेंगे। अभी डालते तो लहसुन हमारा जल जाता तो मज़ा नहीं आता, जो मज़ा हमें इस आलू बीन्स मसाला फ्राई में चाहिए। इस कारण पहले आलू को अच्छे से फ्राई करके उसमें हम बीन्स डालेंगे। पहले आलू को हमने 5 से 7 मिनट फ्राई किया है, उसके बाद बीन्स को डालकर बीन्स के साथ हम 3 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे अच्छे से आलू और बीन्स दोनों को। और इसी के साथ हम लहसुन को भी डाल लेंगे बीन्स के साथ में ही, ताकि थोड़ा ही हमारा लहसुन फ्राई हो, थोड़ा कच्चापन टाइप का लहसुन का जो फ्लेवर आएगा उसमें अलग ही मज़ा है। इस मज़े के लिए हम लहसुन को आगे नहीं डाले हैं, थोड़ा पीछे डाले हैं। तो आप चाहे तो लहसुन को आगे डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बाकी इसे 3 से 5 मिनट हम फिर से बीन्स और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे वेजीज थोड़े अच्छे से क्रंची हो जाएं। आप चाहे तो नमक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नमक हम ऊपर से देंगे। पहले हम मसाले दे दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इन मसालों को अच्छे से थोड़ा चला लें, मिला लें, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अच्छे से फ्राई करना है हमें, तो मसाले डालने के बाद इसमें नमक हम डालेंगे। हमने 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है, आप अपने स्वादानुसार नमक का यूज़ करें। और सबको अच्छे से मिक्स करके नमक के साथ अच्छे से अपने वेजेस और मसाले दोनों को फ्राई करना है। 3 से 5 मिनट फिर से हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम काला नमक का यूज़ कर रहे हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो काला नमक के साथ आमचूर पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आमचूर पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम चाट मसाले का यूज़ कर रहे हैं, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। और हम इसमें ना तो आमचूर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, ना ही गरम मसाले का। आप चाहें तो आप अपने स्वादानुसार कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों का उपयोग, लेकिन हम बिना आमचूर पाउडर और बिना गरम मसाला के अपने बीन्स आलू मसाला फ्राई को रेडी किए हैं। आप देख सकते हैं क्या ही लाजवाब टेक्सचर रेडी हो चुका है, पूरा मसाला एकदम अच्छे से हमारे वेजीज में लटपटा चुका है। तो बिल्कुल आप इसे एक बार ट्राई करें अपने घर पे। बाकी अब गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ, और अपने इस मसाला फ्राई को हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, दूसरे बॉल में। और ये आप देख सकते हैं आलू का तो पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम इतना मसाला लटपटा चुका है, और बीन्स पर भी सेम वही है। और बीन्स आलू दोनों अच्छे से क्रंची फ्राई हो चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी आप देख सकते हैं क्या ही लाजवाब बीन्स आलू की मसाला फ्राई हमारी रेडी हुई है, कैसा एकदम क्रंची कोटेड मसाला फ्राई हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाले से हमारे वेजीज पता भी नहीं चल रहे हैं, क्या ही लाजवाब।
आप देख सकते हैं, तो आप ज़रूर इंजॉय करें अपने घर पे इसे रेडी करके। बहुत ही झटपट, बहुत ही कम समय में रेडी होने वाला ये मुजस्समा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे इंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये मसाला फ्राई।